बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चली है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से कांग्रेस से शहर नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में सीमा अरशद ने अपना नामांकन दाखिल किया। आज के तो तुम दूल्हा हो, तो खड़े हो। नामांकन क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, रामपुर के मुद्दों को लेके ही सिलेक्शन में मैं आई हूँ। और यहाँ की सफाई सुथराई, बेरोजगारी और कानून नाम की व्यवस्था यहाँ नहीं है बिल्कुल। अब इसी के लिए मुद्दे, यहाँ बेरोजगारी, सफाई और कानून व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है सबसे ज़्यादा। और काशीराम में गई थी आसरा, वहाँ दौरा किया मैंने, तो वहाँ पर इतनी गंदगी है कि लोग परेशान हैं। बिजली की बहुत परेशानी है, पानी की परेशानी है, समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। किस तरह का काम करेंगे अगर आप जीतते? उन लोगों के काम आने की कोशिश करूँगी, जैसे जैसे मुझे योजनाएं आएंगी उस हिसाब से उन्हें सहूलत फराहम की जाएगी, सब उन्हीं के काम किए जाएंगे पब्लिक के। और आप भी साथ में क्या कहना चाहेंगे? आज जो हालात हैं रामपुर के या प्रदेश और देश के, मैं समझता हूँ एक बदलाव की आवश्यकता है। और देश में हो या प्रदेश में हो या जिले में हो, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी दिया, बहुत साफ सुथरा प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी है। और मुझे पूरा विश्वास है, जनता पर पूरा भरोसा है कि हम जनता एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेगी। और जो माहौल बन रहा है देश का, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कांग्रेस की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। और जो नगर पालिका के यहाँ के हालात हैं, वो तो आप लोग से छुपे हुए नहीं है, बुरा हाल है। सीवर लाइनें खराब हैं, लोग गंदगी का अंबार है, उस सबको सब दूर करने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस जीतेगी। ये एक शुरुआत है यहाँ से बदलाव की, और कांग्रेस जीतेगी तभी आगे आने वाले वक्त में देश में और प्रदेश में बदलाव आएगा। 2024 की क्या तैयारियाँ? तैयारी पूरी तरीके से, देश की जनता अब बदलाव चाह रही है। वो बहुत झूठे वायदों से थक चुकी है, अफर गई है बुरी तरह। वो बदलाव चाहती है। जो माहौल है, जिस तरीके कानून व्यवस्था चौपट है, महंगाई आसमान को छू रही है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है जनता पर कि जनता अपने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखेड़ के फेंकी 2024 में, और कांग्रेस का परचम देश में लहराएगा। सारी पार्टियां साथ आएंगी, सब लोग मिलकर करेंगे। यूपीए की सरकार बनेगी अगली आने वाली वक्त में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरीके, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत उस पर हमें बहुत सोचना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। देश है ये, सबका देश है, सबको साथ मिलकर रहना पड़ेगा। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे।